Hello guys, so today in this video we will review on NIT, not NIT Durgapur, it's Narula Institute of Technology, which is the best private engineering college in West Bengal. So अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के सोच रहे थे देन एक मिनट रुक जाओ, इस वीडियो को लास्ट तक देखो, देन डिसाइड करना कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इन दिस वीडियो वी विल कवर ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कॉलेज, जैसे कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिलिएशन, कैंपस, फैकल्टी, प्लेसमेंट, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन कवर करूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो लास्ट तक देखना। और ऐसे ही रिव्यू अगर कोई दूसरे कॉलेज पर चाहते हो तो नीचे कमेंट से कमेंट करना, जिस कमेंट पे ज्यादा लाइक आएगा उसी कॉलेज को मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो एनआईटी, दैट मींस नारुला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इज अ लीडिंग ऑटोनोमस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अंडर जेआईएस ग्रुप, एंड दिस कॉलेज एस्टैब्लिश इन द ईयर 2001, व्हिच इज लोकेटेड एट आगरपाड़ा, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। सो यस, दिस इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू मकाउट मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी, अप्रूव्ड बाय एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एक्रेडिटेशन बाय नैक, नेशनल असेसमेंट Accreditation Council, and it also accredited by NBA, National Board of Accreditation, and हाँ, इस कॉलेज में आप लोगों को NIRF ranking भी देखने को मिलेगा, जो 2022 तक था, एंड NIRF ranking आप लोगों को विदिन 200 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो, जिस कॉलेज में NIRF ranking है या था, तो उस कॉलेज को आप लोग आंख बंद करके जा सकते हो, बट एक प्रॉब्लम है, this is an autonomous institute। तो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट का मतलब आप लोग जानते हो, इस कॉलेज में जो भी आप लोगों का एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न, आपका एग्जाम कब होगा, ये सभी चीज कॉलेज खुद डिसाइड करेगा, और ये कॉलेज जेआईएस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो जेआईएस यूनिवर्सिटी जो डिसीजन लेगा वही इन लोग करना पड़ेगा। जैसे कि एनआईटी हो गया, जेआईएस इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, जेएनआईटी हो गया यानी गुरु नानक कॉलेज हो गया, तो ये सभी जेआईएस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, ठीक है। तो ओवरऑल ऑटोनोमस कॉलेज अभी के लिए आप लोगों के लिए बेटर है, क्योंकि मकाउट में बहुत सारे चेंजेस किया जा रहा है, उसी के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि क्या आगे का चेंजेस होगा, बट ऑटोनोमस कॉलेज में आप लोग जाओगे जिसमें आप लोगों का स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन देखने को मिलेगा, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, ठीक है। बट इसमें तो लिखा है एफिलिएटेड टू मकाउट, तो मकाउट के अंदर आप लोगों का ओनली रजिस्ट्रेशन होगा, आपका मार्क्स आएगा, मार्क्सशीट आएगा, आपका जो लास्ट में जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी मकाउट के ओर से ही आएगा, बट जितने भी आप लोगों का रूल्स रेगुलेशन, आपका एग्जाम पेपर, आपका पेपर पैटर्न, आपका सिलेबस, सभी कॉलेज डिसाइड करेगा, ठीक है। एज वेल एज आप लोगों का एग्जाम का डेट भी कॉलेज डिसाइड करेगा, यह ऑटोनोमस का एक फायदा मिलता है। तो अभी बात करते हैं कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो 57 क्लासरूम देखने को मिलेगा, 20 ई क्लासरूम देखने को मिलेगा, 81,780 लाइब्रेरीज में बुक्स देखने को मिलेगा, एंड वर्कशॉप भी इस कॉलेज में 100 लैब्स है, 450 आप लोगों को कॉमन कंप्यूटर्स देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद इंडोर आउटडोर दोनों ही स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने को मिलेगा। बॉयज हॉस्टल में 118 तक कैपेसिटी है, एंड गर्ल्स हॉस्टल में आप लोगों का 106 फैकल्टी है, एंड बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एक एक कॉमन रूम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर ए ऑन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस कॉलेज का नैक जो है वो ए ग्रेड है, यानी नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल, वो ए ग्रेड मिला है, और ए ग्रेड इसीलिए मिला है क्योंकि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम बढ़िया है, इसका लैब, इसका क्लासरूम, हॉस्टल, कैंटीन, सब कुछ ए ऑन है, इसीलिए कॉलेज को ए ग्रेड मिला है, एज वेल एज NIRF रैंकिंग भी है। NIRF रैंकिंग किस कॉलेज में मिलता है, जिस कॉलेज में आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैकल्टी अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा है, सो उन्हीं कॉलेजेस को NIRF रैंकिंग मिलता है जो इस कॉलेज में है। तो भी बात करते हैं इस कॉलेज में आपको क्या क्या कोर्सेज देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट है बीटेक, एमसीए, एमटेक, बीसीए, बीबीए, बीबीए इन होटल मैनेजमेंट एंड डिप्लोमा। तो टोटल आप लोगों को 7 कोर्सेज देखने को मिलेगा, बट इस वीडियो में हम लोग ओनली फोकस करेंगे बीटेक एंड बीटेक लेटरल का। तो आप लोग अगर बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को WBJEE या फिर JEE मेंस देना पड़ेगा, उसका वैलिड रैंक कार्ड होना चाहिए, तभी आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। इसमें आप लोग डायरेक्ट एज वेल एज काउंसलिंग के थ्रू भी ले सकते हो, बट अगर आप इस कॉलेज में बीटेक डायरेक्ट एडमिशन लेते हो इन मैनेजमेंट कोटा, देन आप लोगों को थोड़ा डोनेशन देना पड़ेगा। एज वेल एज अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हो तो उस केस में आप लोग कोई भी डोनेशन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, बट डायरेक्ट में ओनली आप लोगों को डोनेशन देखने को मिलेगा। एज वेल एज आप बीटेक लेटरल के थ्रू, बीटेक सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले हो, तो उस केस में आप लोगों को डिप्लोमा क्वालिफाइड होना चाहिए, एज वेल एज आप लोगों को जिलेट भी देना पड़ेगा। और अगर आप लोग जिलेट एग्जाम नहीं दिए तो भी आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, बट आप लोगों को नॉन कोर ब्रांचेस में थोड़ा डोनेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हो बीटेक लेटरल में, देन आप लोगों को कोई भी डोनेशन देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल आप लोगों को नॉन कोर ब्रांचेस जैसे कि सीएससी हो गया, सीएससी स्पेशलाइजेशन हो गया, आईटी हो गया, ईसी हो गया, तो इन सारे ब्रांचेस में आप लोगों को थोड़ा सा डोनेशन देखने को मिलेगा, अगर आप डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना चाहते हो तो,
ठीक है। और अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हो तो देन डोंट वरी, आप लोगों का अगर अच्छा खासा रैंक होता है तो आप काउंसलिंग से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आप लोग इस कॉलेज में जेन्युइनली एडमिशन लेना चाहते हो तो ये रहा मेरा नंबर, आप मुझे बेझिझक कॉल कीजिए, मैं जरूर आप लोगों को हेल्प करूंगा रिगार्डिंग एडमिशन। आप लोगों का जो भी क्वेरी होगा एडमिशन के रिगार्डिंग, आपका फीस के रिगार्डिंग, आपका डोनेशन के रिगार्डिंग, मैं अपने ओर से पूरा ट्राई करूंगा ताकि आप लोगों को एक वैल्यू फॉर मनी कॉलेज मिल जाए। तो ये रहा मेरा नंबर, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और व्हाट्सएप लिंक भी है, आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो व्हाट्सएप में, मैं जरूर आप लोगों को हेल्प करूंगा रिगार्डिंग एडमिशन, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सो अभी बात करते हैं बीटेक में आपको कौन कौन से ब्रांचेस देखने को मिलता है इस कॉलेज में। तो फर्स्ट आप लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर, जिसमें इंटेक कैपेसिटी है 120 एंड इसमें आपको 45 फैकल्टी देखने को मिलेगा। उसके बाद ईसीई 150 इंटेक कैपेसिटी है, इसमें 41 फैकल्टी देखने को मिलेगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 120 इंटेक कैपेसिटी है, 16 फैकल्टी देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 120 इंटेक कैपेसिटी है, 40 फैकल्टी देखने को मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग में आपको 6 इंटेक कैपेसिटी है, 27 फैकल्टी देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन यानी ईआईई, इसमें 30 इंटेक कैपेसिटी है, 12 फैकल्टी देखने को मिलेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 16 इंटेक कैपेसिटी है, 16 फैकल्टी देखने को मिलेगा। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, जिसमें 16 इंटेक कैपेसिटी है, 45 फैकल्टी देखने को मिलेगा। एंड आप लोगों का सीएससी एआई एमएल में है, जिसमें 16 इंटेक कैपेसिटी है, 45 फैकल्टी देखने को मिलेगा। एंड सीएसबीएस है, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, इसमें 16 इंटेक कैपेसिटी है, 45 फैकल्टी देखने को मिलेगा। तो इसमें देखो आप लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों ही सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों में आप लोग जा सकते हो, जैसे कि ये हो गया सीएससी स्पेशलाइजेशन, ओके। सीएससी स्पेशलाइजेशन में आपको सीएसटी देखने को मिलेगा, सीएससी एआईएमएल देखने को मिलेगा एंड सीएसबीएस देखने को मिलेगा। और अगर आप प्रॉपर सीएससी लेना चाहते हो तो सीएससी या आईटी ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जाना चाहते हो तो ईसी ले सकते हो, सबसे बेटर होगा। ईसी एक ऐसा ब्रांचेस है जो मिडिल में आता है, नॉन कोर और कोर ब्रांचेस के मिडिल में, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो फॉर ईसी देन आप लोग जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ओवरऑल आप लोगों को नॉन कोर ब्रांचेस में अगर आप मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेते हो तो थोड़ा बहुत आप लोगों को डोनेशन देखने को मिलेगा। तो अभी बात करते हैं इस कॉलेज का एक्चुअल ऑफिशियल फीस क्या है। तो आप लोग देख सकते हो बीटेक में आपको एडमिशन का टाइम 76,300 पे करना होगा, सेकेंड सेम में आपको 63, थर्ड सेम में आपको 69, फोर्थ सेम में 66, फिफ्थ सेम में 69, सिक्स सेम में 67, सेवन सेम में 68 एंड एट सेम में 69। तो टोटल आप लोगों को पड़ जाएगा 5,50,000 टोटल, 4 साल का कोर्सेस भी है, ठीक है। बीटेक लैटरल में आप लोग देख सकते हो एडमिशन का टाइम आपको देना पड़ेगा 86,859 एंड टोटल आप लोगों को पड़ जाएगा 3,66,359। और MCA, MTech, BCA, BBA, BBA, HM, डिप्लोमा काउंसलिंग, डिप्लोमा डायरेक्ट एंड डिप्लोमा लैटरल आप लोग देख लेना कितना फीस है, ठीक है। तो इस कॉलेज में आप लोग अगर WBJEE या फिर GLET के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो थ्रू काउंसलिंग, तो इसका कट ऑफ कितना जाता है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, मेरा ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सारा डिटेल्स वन बाय वन देखने को मिलेगा। फर्स्ट राउंड में कितना गया था, सेकंड राउंड में कितना गया था, पूरा आप लोग इन्फॉर्मेशन चेक कर पाओगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो अभी बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। तो आप लोग देख सकते हो एज पर WBJEE रिकॉर्ड 2022 में 82.33% ongoing अभी भी चल रहा है, परसेंटेज स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिल गया है, जिसमें हाईएस्ट स्टैटिस्टिक से गया है 11 लाख, एवरेज गया 4.5 लाख। 2021 में 89% हो गया था, हाईएस्ट गया था 10 लाख एंड एवरेज गया था 3.60 लाख। 2020 में 87% हो गया था, हाईएस्ट था 10 लाख एंड 3.35 एवरेज सिटीसी था, ठीक है। ये WBJEE का रिकॉर्ड है। अभी आते कॉलेज का रिकॉर्ड के मुताबिक आप लोग देख सकते हो हाईएस्ट पैकेज जो गया है 18 LPA गया है 2023 में, ठीक है, नॉट 2022, 2023 में हाईएस्ट पैकेज गया है 18 LPA। प्लेसमेंट ऑफर गया है 1000 प्लस प्लेसमेंट ऑफर हुआ है एंड मल्टीपल जॉब्स मिला है 250 प्लस स्टूडेंट्स को, यानी मल्टीपल मतलब एक के भी ज्यादा प्लेसमेंट मिला है 250 प्लस स्टूडेंट्स को, ठीक है। फोर्ड कंपनीज में 17% प्लेसमेंट हुआ है, आईटी कंपनीज में 45% प्लेसमेंट हुआ है, केपीओ में 80% प्लेसमेंट हुआ है, अदर्स में 11% प्लेसमेंट हुआ है, आईटीज में 16% प्लेसमेंट हुआ है एंड टेलीकॉम में 30% प्लेसमेंट हुआ है। तो प्लेसमेंट टोटल आप लोग का 89% 2023 में हो गया है, ठीक है, रिकॉर्ड है। और इसमें आप लोग देख सकते हो पूरा ग्राफ सिनारियो क्या क्या है, प्लेसमेंट कितना गया है, हायर स्टडी के लिए कितना जन गया है एंड 2023 में हाईएस्ट गया था 18 LPA एंड 2022 में हाईएस्ट गया था 27 LPA एंड NIT का पूरा प्लेसमेंट रिकॉर्ड आप लोगों को NIT का ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा।
तो जाके आप लोग देख लेना। एंड ये रहा आप लोग देख सकते हो 2023 पास आउट का पूरा लिस्ट, जिसमें आप लोग देखो सीएससी एक्सेंचर में गया है, ठीक है, ये पूरा आप लोग लिस्ट देख सकते हो, अमेजोन में गया है, कैपजीमिनी में गया है, ठीक है, एंड उसके बाद बिट वाइज कैपजीमिनी नीचे आ जाओ, तो ये पूरा आप लोग ईसीई डबल ई भी है, ई आई भी है, ई आई एस भी आप लोग कैपजीमिनी में गया है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, तो कैपजीमिनी में सबसे कॉग्निजेंट गया है, उसके बाद नीचे आ जाओ कॉग्निजेंट है पूरा, तो आप लोग इसी में से बहुत सारा स्टूडेंट कॉग्निजेंट में गया है, ठीक है, उसके बाद ई वाई नीचे आ जाओ बहुत सारे, ये पूरा माइंड ट्री है, देन नीचे आ जाओ टाटा टी सी एस है, टेक महिंद्रा है, ठीक है, देन नीचे आप लोग पूरा देख पाओगे, पूरा डिटेल्स इसमें लिखा है, बायजूस कॉग्निजेंट सब कुछ, आई बी एम इन्फोसिस टी सी एस विप्रो, ठीक है, तो बहुत सारे लिस्ट है, टोटल आप लोग 1001 कैंडिडेट टोटल आप लोग को जॉब मिला है, तो ओवरऑल प्लेसमेंट के ओर से मैं एकदम बिल्कुल आप लोगों को 100% एस्योर्ड दे सकता हूँ, प्लेसमेंट आप लोगों को अच्छा खासा देखने को मिलेगा, बट हाँ हाईएस्ट पैकेज जो है यानी अबव 10 लाख 12 लाख 13 लाख ये थोड़ा कम जाता है, बट 6 लाख 5 लाख 7 लाख ये यानी अंडर 10 लाख बहुत अच्छा खासा पैकेज जाता है, ठीक है, और एवरेज पैकेज बहुत ज्यादा जाता है, यानी एवरेज पैकेज समझ सकते हो 5 लाख 6 लाख एवरेज पैकेज जाता है, ठीक है, तो इस केस में आप लोग आंख बंद करके जा सकते हो प्लेसमेंट की ओर से। देखो एक कॉलेज में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है प्लेसमेंट रिकॉर्ड, कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर उसी जगह पे रह जाएगा, कॉलेज का एनआरएफ रैंक उसी जगह पे रह जाएगा, कॉलेज का नैक एनबी एप्लीकेशन जो भी है उसी जगह पे रह जाएगा, जस्ट आप लोग कॉलेज में 4 साल बिताओगे, 4 सालों के में आप लोगों को एक अच्छा खासा जॉब उठाना होगा, यानी एक प्लेसमेंट लेना होगा, और मल्टीपल जॉब्स बहुत सारे सुनने को मिला है, आप लोग इसमें जाके देख सकते हो मल्टीपल जॉब्स ऑफर्स, ठीक है, तो पूरा रिकॉर्ड इस ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोग देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन के ऊपर बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा है, नैक एफिलिएशन है, एनबीए है, उसके बाद एनआरएफ रैंकिंग है, ठीक है, उसके बाद इतना अच्छा खासा प्लेसमेंट है, और फीस भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ओनली 5,50,000, ठीक है, तो मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी है, और जो लोकेशन है बहुत ही अच्छी जगह पे लोकेशन है, एंड ट्रैवलिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, हॉस्टल भी अवेलेबल है, हॉस्टल का फीस भी बहुत ही कम है, अराउंड 5,000 पर मंथ है हॉस्टल का फीस, तो बहुत ही अच्छा है, तो अगर आप मेस वगैरह में रहते हो तो बहुत ही कम हो जाएगा, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, बट ओवरऑल कॉलेज A1 है, आप लोग जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, तो आई होप वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय, टेक केयर।